Hello students, I am here again with a trick to learn the electrochemical series. बच्चे electrochemical series अगर हम बात करें, what is electrochemical series? A series in which elements are arranged according to their increasing value of electrode potential, standard electrode potential. और जो electrode potential यहाँ पर use किया जाता है वो होता है reduction potential, क्योंकि ये बात हमने already previous lecture में करी थी कि according to IUPAC आजकल जितने भी potentials होते हैं वो सब reduction potential होते हैं. तो what is electrochemical series? A series in which elements are arranged according to their increasing value of reduction potential. Means हम कम से शुरू करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे प्लस की तरफ, मतलब माइनस से शुरू करके प्लस तक. मैंने प्रीवियस लेक्चर में यह भी कहा था कि हो सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, क्योंकि कुछ बुक्स में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो फ्लोरीन से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, फिर वापस नेगेटिव तक, लिथियम तक चले जाते हैं. तो मींस इसमें अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है. और ये जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, ये जितने भी पोटेंशियल हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल हैं. और सब रिडक्शन पोटेंशियल किसकी हेल्प से निकाले गए हैं? विद द हेल्प ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी. अगर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की चलो रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर देती हूँ कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है PT प्लेटिनम, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, H2 जो कि गैस है और इसका प्रेशर जो है 1 bar कंसीडर किया जाता है. देन विच कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव आयंस, और जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 1 molar होती है. तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आपको ऐसा गिवन है तो समझ लीजिएगा कि यह आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गिवन है. और वहाँ पे बिना सोचे, बिना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए, सिर्फ एक ही बात लिख देनी है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा. ठीक है, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने इसको शुरू किया है लिथियम से, और जो लिथियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो -3.05 होती है. यहाँ से यहाँ तक आप चले जाएं तो यहाँ तक जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, मतलब यहाँ तक नेगेटिव, लेड तक, उसके बाद हाइड्रोजन की 0, फिर कॉपर से पॉजिटिव स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक फ्लोरीन की जो वैल्यू होती है वो हाइएस्ट पॉजिटिव होती है, दैट इज 2.87. तो अब वैसे तो बच्चे बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर बेसिकली गिवन होता है कि कहाँ पर आपको या तो सेल प्रोवाइड की होती है या आपको सेल रिएक्शन गिवन होती है, उनके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होते हैं, या कभी कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकते हैं जिनको आप रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं. हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन बदल जाते हैं. लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ना समझ में आए क्वेश्चन में कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा. तो उसके लिए हमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, बैरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसको लर्न करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रही हूँ. ठीक है ना, जैसे थोड़ी फनी है लेकिन आप याद रख सकते हैं, लेके भारत सरकार का नाम, क्या बोल सकते हैं? लेकर भारत सरकार का नाम, का नाम. मांगे अलादीन, मन और जान, मन और जान. एक्चुअली में ये जो छोटी सी स्टोरी हम यहाँ पर बना रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? कि अलादीन जो है वो और हाइड्रोजन, ये दोनों भारत को बचाने के लिए एक सीडी की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट अ सीडी. सीडी समझ रहे हो ना? ठीक है, तो उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक तैयार करी है.
तो इसमें हमने कहा लेकर भारत सरकार का नाम, भारत को बचाने के लिए भारत सरकार का नाम मांगे अलादीन मन और जान। मतलब अलादीन कहता है कि भाई भारत को बचाने के लिए हमें मन और जान से काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि किसकी बात चल रही है, सीडी की बात चल रही है, मतलब ये चाहते हैं, कौन कौन चाहते हैं, अलादीन और हाइड्रोजन ये चाहते हैं कि वो सीडी सुरक्षित रहे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तक आप याद रखेंगे, क्रो ने फेंकी सीडी, क्रो ने जो सीडी है वो फेंक दी है, क्रो ने क्या किया, सीडी को फेंक दिया। फिर क्या हुआ, यहां पर कोई नहीं सुनता प्रभु हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन भी चाहता था बचाया जाए भारत को, सीडी को बचाया जाए, लेकिन क्रो ने क्या किया, सीडी को फेंक दिया। तो हमने क्या बात करी, कोई नहीं सुनता प्रभु हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुनता प्रभु हाइड्रोजन की, ठीक है। यहाँ तक आधी कहानी खत्म हो जाती है। क्या कहा हमने, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अलादीन मन और जान, ठीक है। फिर हमने कहा क्रो ने फेंकी सीडी, क्रो ने सीडी को फेंक दिया नीचे, ठीक है। फिर अलादीन भी चाह रहा था कि देश सुरक्षित रहे, फिर हमने कहा हाइड्रोजन भी चाहता था, लेकिन हाइड्रोजन की कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता प्रभु हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की कोई भी नहीं सुनता है, हे प्रभु हाइड्रोजन की कोई नहीं सुनता है बात कि देश को बचाना कितना जरूरी है, उस सीडी को रखना कितना जरूरी है, ठीक है। फिर आगे हम थोड़ी सी एक और कहानी शुरू कर रहे हैं, वो क्या, क्यों आए होंगे आगे, क्यों आए होंगे आगे ब्राह्मण पंडित और कलाकार, क्या करने, आग फेंकने। जो मालूम है बहुत फनी है, बट आप वैसे तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप इसको क्रैम कर सकते हैं, बट क्रैम की हुई चीज़ें बच्चे हम भूल जाते हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जब लर्न करते हैं, अगर आप कोई ट्रिक से लर्न नहीं करते हो तो आप क्रैम कर लेते हो, और क्रैम करने के बाद फिर आप कुछ चीज़ को भूल जाते हो। लेकिन अगर आपने कोई सीरीज़ बनाई है तो आपको वो सीरीज़ लंबे समय तक याद रहती है, और फिर धीरे धीरे एक बार पढ़ने से वो याद भी हो जाती है। तो एक बार वापस देखते हैं, हमने कहा किसकी बात चल रही है, भारत की बात चल रही है, भारत सरकार की बात चल रही है, भारत सरकार एक सीडी को प्रिजर्व करके रखना चाहती है, और उसके लिए अलादीन और हाइड्रोजन दो लोग हैं जो चाहते हैं कि सीडी प्रिजर्व रहे, ठीक है। तो हमने बात करी लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अलादीन मन और जान, मन और जान दोनों ही देश के लिए देनी पड़ेगी। लेकिन बीच में क्या हुआ, क्रो ने सीडी को फेंक दिया, फेंकी सीडी। देखो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोलते रहें और एलिमेंट्स के नेम ना लिखें तो गड़बड़ हो जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ जब भी आप सीरीज बोलेंगे तो आपको साथ साथ लिखना भी पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने कहा लेके, ठीक है ना, लेके भारत सरकार का नाम, CANA, लेके भारत सरकार का नाम। फिर हमने कहा मांगे अलादीन मन और जान, लेकिन बीच में क्या हुआ, क्रो ने फेंकी सीडी। फिर हमने कहा कोई नहीं सुनता प्रभु हाइड्रोजन की, है प्रभु कोई नहीं सुनता। फिर हमने कहा एक और छोटी सी स्टोरी हमने बनाई कि जो हाइड्रोजन, जो सीडी फेंक दी गई थी उसको आग में फेंकने के लिए कौन कौन आए, क्यों आए होंगे, CU, QI, I2, HG, AG, कौन, ब्रोमीन ब्राह्मण, इसको अपने ऊपर मत लेना बच्चे कोई भी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न दिस, ठीक है ना। ब्राह्मण
पंडित और ओ टू सी एल टू के लिए हमने कहा कलाकार क्या करने आग फेंकने सीढ़ी के ऊपर आग फेंकने। ये बात समझ नहीं आई कि ये लोग क्यों आगे आए होंगे, शायद वो उसको प्रिजर्व करना चाहते थे किसी और के हाथ ना लगे, आप ये मान सकते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया उस सीढ़ी को आग में फेंक दिया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एक बार और वापस करते हैं, यहाँ तक हमने बात कर ली क्यों आए होंगे आगे, क्यों आए होंगे आगे कौन, ब्राह्मण पंडित और कलाकार, क्या करने के लिए, आग फेंकने सीढ़ी पर, आग फेंकने सीढ़ी पर। तो दिस इज़ द कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसा नहीं है कि इतने ही एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो यूज्ड एलिमेंट हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। बच्चे आप इसको लर्न कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल सभी के याद करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से यहाँ तक। चलो एक छोटी सी बात और यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए हमने कहा कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -3.08 वोल्ट होता है और इसका रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। देखिए अगर मैं इसकी और इसकी कंपैरिजन करूं, इसकी या इसकी कंपैरिजन करूं, इसकी या इसकी किसी की भी किसी से कंपैरिजन करूं, या फिर हाइड्रोजन की कंपैरिजन इससे ऊपर वाले या नीचे वाले से करूं, तो एक बात तो पक्की है क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो हमने कहा कि जहाँ पर ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है और उससे ऊपर वाले पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसका मतलब इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, लेड पे, इस पे, इस पे, इन सब में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, इन सब की कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, और इन सब पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मींस बिल्कुल वही जो हमने SHE की बात करी थी कि अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है प्लस वन से जीरो में जा रहा है, मतलब यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह, तो ये सब एलिमेंट्स एनोड की तरह काम करेंगे और इनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर हम बाकियों की कंपैरिजन करें, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी कंपैरिजन, कॉपर जो होता है उसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट होती है, तो अगर मैं हाइड्रोजन की कंपैरिजन इससे करूं तो इन दोनों की कंपैरिजन में यहाँ पे रिडक्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर SHE एनोड की तरह काम करेगी तो दूसरे एलिमेंट का जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मीन्स ये वाली जो स्पीसीज हैं वो ऑक्सीडाइज होंगी ईजिली और ये वाली जो स्पीसीज हैं वो क्या होंगी, रिड्यूज होंगी ईजिली। मीन्स अगर ये ऑक्सीडाइज हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हुए, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और जब आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। अब ये वाली स्पीसीज जब रिड्यूस हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हुए, ये होंगे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हुए, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड भी घटती चली जाएगी। मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें कितनी बातें पता चलती हैं कि अगर हम बात करें ये वाली स्पीसीज आसानी से ऑक्सीडाइज होंगी, नीचे चले जा रहे हैं हम तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है इन कंपेरिजन टू दीज, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हुए। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब फ्लोरीन हमेशा रिड्यूस होने की कोशिश करेगा इन कंपैरिजन टू अनदर मेटल। अगर ये रिड्यूस होगा तो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जब आप ऊपर की तरफ जाओगे ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी क्योंकि रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी घटती चली जाएगी। दूसरी बात हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या पता चलती है कि अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इनमें से कोई भी मेटल दिया हुआ है हमें कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकते हैं, विच मेटल्स कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, वो भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आसानी से पता चल सकता है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि हाउ टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके बाद हम लास्ट इक्वेशन पर मूव करेंगे जो इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। होप आपने इस लेक्चर को इंजॉय किया होगा, मैं भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ नाइस।